नमस्कार, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं एक बार पुनः आप सभी लोगों को अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा था कि कैसे हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण किया था और उसके अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आए थे। फिर हम लोगों ने पुरापाषाण काल के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम लोग आज पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। उसके बाद में आएगा नवपाषाण काल, उसके बाद में आएगा ताम्रकालीन सभ्यता, उसके बाद में फिर आएगी सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आएगा वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ा जाएगा ऋग्वैदिक काल, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल। इस तरह से हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ लोग जो नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि, और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि जो नई वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और जो लोगों ने पहला वाला क्लास नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जा कर के उस वीडियो को भी देख लेंगे और एक अच्छे तरीके से, एक वेल मेंटेन तरीके से नोट्स भी बनाते रहेंगे, क्योंकि बिना नोट्स के रिवीजन करने में परीक्षा समय में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब आपके पास वो चीज़ें नोट्स के रूप में रहती हैं तब आप आसानी से उनको परीक्षा में रिवीजन कर पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। देखिए, मध्य पाषाण काल पहले नहीं माना जाता था। पहले विद्वानों ने माना गया कि सिर्फ पुरापाषाण काल ही हैं, उसके बाद में नवपाषाण काल है। बाद में क्या हुआ कि 1857 में, कहीं जगह डेट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, परंतु जो मतलब कुछ किताबों को मैंने देखा वहाँ पर 1857 ही लिखे हुए थे, कहीं कि 1867 में लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे। तो 1857 में C.L. कार्लाइल, क्या नाम था, C.L. कार्लाइल था। इन्होंने विंध्याचल जो पहाड़ी है उसके आसपास कुछ लघु उपकरण खोजे और उन लघु उपकरणों की जो आकार था वो 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर था। तो उस वो पता लगाया कि ये कहाँ की है, तो ये मध्य पाषाण काल की है। इसीलिए C.L. कार्लाइल को मध्य पाषाण काल का जनक कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आइए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इसके काल के बारे में पढ़ा जाए, तो इसके जो समय था, काल इसका जो समय था वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं इसके जो जनक हैं, इसके जनक हैं कौन? C.L. कार्लाइल हैं। इनको 1857 ईस्वी में विंध्य श्रेणी में कुछ लघु उपकरण मिले। क्या मिले? लघु उपकरण मिले, और इन लघु उपकरणों का आकार बहुत छोटा था। कितना आकार था? 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? इसी के कारण इनको क्या कहा गया? इसी के कारण इसको सूक्ष्म पाषाण कहा गया। इस समय के को इनको सूक्ष्म पाषाण कहा गया, और इस युग को क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक कहा गया। इस समय को क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक एज। इस काल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है और उन विशेषताओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस समय मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है पशुपालन
क्योंकि पशुपालन इसलिए हुई थी क्योंकि कुछ ऐसे स्थान हुए हैं जहाँ पर कुछ पालतू पशुओं के अवशेष और जंगली पशुओं के दोनों तरह के अवशेष मिले हैं। तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि मध्य पाषाण काल के लोग पशुपालन प्रारंभ कर दिए थे। और दूसरी विशेषता है आग का प्रयोग। आग का प्रयोग देखिए, आग की खोज इससे पहले ही हो चुकी थी, परंतु आग का प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे मांसों को पकाया जाए, फिर उसको खाया जाए, इन सब चीजों के बारे में जानकारी कहां पर मिलती है, तो मध्य पाषाण काल में। तो चलिए एक बार इतना थोड़ा सा देख लिया जाए। सबसे पहले देखिए, जितना हम लोग पढ़ें उतना हमको याद होना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं मायने रखता कि हमने कितना पढ़ा, हमें ये मायने में रखना चाहिए कि हम क्या पढ़े। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम जैसे मध्य पाषाण काल में देखते हैं, इसका समय होता है 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। इसके जो जनक हैं सी एल कार्लाइल हैं। क्यों हैं? क्योंकि 1857 ईस्वी में विंध्य श्रेणी आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इधर इस आसपास ऐसे पड़ता नहीं है, विंध्याचल श्रेणी उसी को, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग भी करती है। और इसमें कुल मतलब कुछ उपकरण मिले हैं। कैसे? कुछ लघु उपकरण मिले हैं। उन लघु उपकरणों का आकार कितना है? 1 से 8 सेंटीमीटर है, जिनको सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। और इन सूक्ष्म पाषाण मिलने के कारण ही इस युग को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की कुछ और विशेषता थी कि यहाँ पर पशुपालन और आग के प्रयोग प्रारंभ हो गए थे। तो क्या इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, अब नोट कर लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के उपकरण के बारे में, औजार क्या क्या थे। ठीक है, क्या मैं इसको मिटा दूं? देखिए थोड़ी सी, देखिए इसके जो औजार थे, इस समय के औजार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पहले बात याद रखेंगे कि इनके औजारों का निर्माण किससे होता था। तो इसके निर्माण में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती थी, तो कुछ के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट का प्रयोग पूरा पाषाण काल से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन आज भी इसमें प्रयोग हो जाता है। क्वार्टजाइट हो गया, फ्लिंट हो गया, जस्पर हो गया, कार्नेलियन हो गया, ये सब कीमती पत्थरों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में अस्फटिक हो गया और कैल्सीडोनी हो गया। अस्फटिक और उसके बाद में कैल्सीडोनी, इन सब का प्रयोग औजार निर्माण कर के रूप में प्रयोग किया जाता था। औजार निर्माण करने की जो तकनीकी थी उसको क्या कहा जाता था, तो उसको फ्लोटिंग कहा जाता था उस समय। मतलब जो जिस तकनीकी से इसका प्रयोग किया जाता था औजार बनाने के लिए, उस तकनीकी को क्या कहा जाता था, अगर प्रश्न बन जाए तो उसको कहते थे फ्लोटिंग। क्या कहते थे? फ्लोटिंग। ये एक तकनीकी होती थी जिसके माध्यम से औजार को बनाया जाता था। क्या ये बात समझ में आ गई? उस समय के औजार में कौन कौन से प्रयोग होते थे, तो ब्लड होते थे, क्रोड होते थे, नुकीले औजार होते थे। देखिए ब्लड, क्रोड, नुकीले औजार, नवचंद्राकार, इसमें क्या होता था, एक तल गोल होता था।
अवतलाकार कटाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। क्या ये बात समझ में आ गया? तो नौचंद्राकार हो गया। उसके बाद में एक और प्रकार का होता था, समलंब होते थे। समलंब प्रकार के औजार होते थे। ये कैसे होते थे मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये एक ऐसे त्रिभुज हो गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे, मतलब समझ जाएंगे कि अब इस प्रकार से औजार होता था जिसको फेंक करके प्रयोग किया जाता था। चलिए, तो ये इतने हो गए औजार। समझ में आ गया बात? तो औजार का क्या होता था, किससे बनते थे? क्वार्टजाइट से बनते थे, फ्लिंट से होते थे, जस्पर से बनते थे, और फिर कार्नेलियन से, अस्फटिक थे, और कैल्सीडोनी से बनते थे। उस समय जो औजार बनाने की तकनीकी थी उसको कहा जाता था फ्लोटिंग तकनीकी। इसमें ब्लड आते थे, क्रोड आता था, नुकीले और नौचंद्राकार आकार आते थे, समलंब के आकार होते थे। नौचंद्राकार एक तरफ गोल होता था, बाकी दोनों तरफ किनारे होते थे। इसमें अवतलाकार आकृति को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्थान के बारे में जान लेते हैं। एक एक स्थान को याद कैसे करते हैं, थोड़ा सा जब आप उसको थोड़ा सा लिंक करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। एक एक राज्य वाइज पढ़ेंगे। कुछ स्थान हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे राजस्थान के इम्पॉर्टेंट हैं, उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट हैं। पहले इन्हीं सबको देख लिया जाए। राजस्थान, इसके जो स्थल हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, पहले स्थान में हम पढ़ेंगे राजस्थान। राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है बागौर। क्या नाम है? बागौर नाम है। ये बागौर नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भीलवाड़ा जिला है राजस्थान का। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिले में ये पाया जाता है। ये पूछ ले कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये बागौर है, ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कौन से नदी के तट पर स्थित है? कोठारी नदी के तट पर स्थित है। भीलवाड़े जिले में है, कोठारी नदी के तट पर स्थित है। मध्य पाषाण कालीन स्थलों में ये सबसे बड़ा स्थल है जो भारत में है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है ये। क्या है? भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन है? बागौर है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसकी खोद, इसमें जो खुदाई का काम हुआ था, भाई इतना ही समझ लीजिए कि इसमें 2 साल तक केवल उत्खनन का ही काम हुआ था। 1968 से लेकर के 1970 तक यहां पर उत्खनन का कार्य हुआ था। और ये उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो ये किया था VN, कहीं कहीं मित्र लिखा है, कहीं कहीं मिश्र लिखा है, तो मित्र ही होंगे। अगर कहीं ऑप्शन में अगर मिश्र भी आ जाता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, VN मित्र हैं। क्या ये बात समझ में हो गई? यहाँ पर मिले क्या क्या चीज़ हैं? तो यहाँ पर झोपड़ियाँ मिली हैं और खड़ंजों द्वारा फर्शों के साक्ष मिले हैं। क्या क्या मिली हैं? तो झोपड़ियाँ, और खड़ंजे लगे हुए, मतलब फर्श,
और खड़ंजों द्वारा फरसों के साथ समझ में आ गया क्या क्या मिला है। तो झोपड़ियां और खड़ंजों द्वारा फरसों के साथ मिले हैं, मानों के कंकाल भी मिले हैं और छल्ला पत्थर भी मिला है। क्या क्या मिला है? मानों का कंकाल, भी यहां से प्राप्त हुआ है और क्या प्राप्त हुआ है? छल्ला पत्थर। तो एक बार बागोर को पुनः देखा जाए, बागोर भीलवाड़ा जिले में है, राजस्थान में, कोठारी नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर है। 1968 से 1970 ईस्वी तक इसका उत्खनन का कार्य बीएन मित्र ने किया था। यहाँ पर झोपड़ियों और खड़ंजों द्वारा फर्श के साक्ष्य भी मिले हैं, यहाँ पर मानव के कंकाल भी मिले हैं और कुछ छल्ला पत्थर भी मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला गुजरात के बारे में। गुजरात में चार स्थल हैं, कौन कौन है? अक्खज एक स्थल है, अक्खज, उसके बाद में बलसाना, उसके बाद में हीरपुर और उसके बाद में लंगनाज। क्या ये बात समझ में आ गया? इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, वो है लंगनाज, क्योंकि यहां से 14 मानव कंकाल मिले हैं, 14 मानव कंकाल। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गुजरात के चार स्थल केवल आपको याद रखने हैं। प्रश्न बनेगा अक्खज किस काल से संबंधित है, बलसाना मध्य पाषाण काल से है, हीरपुर और लंगनाज, से 14 मानव कंकाल मिले हैं। अब इसके बाद में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट स्थल उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से कई सारे स्थल हैं जो हमको मिले हैं और उनमें से कुछ ना कुछ विशेषता भी रही है, तो इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पेपर में कोई और स्थल आए या ना आए, परंतु यूपी का जरूर आ जाता है और खासकर यूपी पीसीएस में भी जरूर आता है। ये प्री में कम लेकिन मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं। चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश, में एक एक स्थान के बारे में पढ़ेंगे। सराय, क्या नाम है? सराय नहर राय। कहां पर स्थित है ये सबसे पहली बात? तो ये दो जिला प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के जंक्शन पर स्थित है। कहां पर है? इलाहाबाद का नाम बदल करके अब क्या हो गया है? प्रयागराज। प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं? आंवला नगरी, आंवलों के लिए ये प्रसिद्ध है। जबकि इलाहाबाद को क्या कहते हैं? संगम नगरी कहा जाता है, संगम नगरी, कुंभ नगरी भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? कुंभ नगरी। इलाहाबाद की और सारी खासियत है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में कि त्रिवेणी है। वेणी माधव मंदिर इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। बड़े हनुमान मंदिर इलाहाबाद में स्थित है। अकबर का किला कहाँ पर है?
इलाहाबाद में स्थित है। अच्छा, अकबर के किले से एक प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा जाता है, पूछा जाता है कि अकबर का किला किस नदी के संगम पर स्थित है, मैंने किस नदी के तट पर अगर पूछ ले किस नदी के तट पर है, तो आप गंगा को नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अकबर का जो किला है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह बात दिमाग में रखिएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का सराय नहर राय, ठीक है, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के बीच में स्थित है। अब देखिए यहाँ इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो की थी जी आर शर्मा ने किया था। किसने? जी आर शर्मा ने किया था। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से एक छोटी बस्ती ही पूरी मिल गई है। क्या मिली है? एक छोटी बस्ती मिली है और उसके बाद में कई सारी भट्टियाँ मिली हैं। छोटी भट्टियाँ मिली हैं, भट्टी, कई भट्टियाँ मिली हैं, भट्टी, भट्टी जानते हैं ना, खाना वाना पकाने की जो भट्टी होती है उसी को भट्टी कहा जाता है। और एक सामुदायिक भट्टी भी मिला है, कई वैसे छोटी भट्टियाँ मिली हैं और एक सामुदायिक भट्टी भी मिली है यहीं से, जिसमें सामुदायिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक से अधिक लोग काम करते थे, ठीक है। एक छोटी मतलब पूरी की पूरी बस्ती मिल गई है, कहीं भट्टी भी मिली है और इसमें से एक सामुदायिक भट्टी भी मिली है, ठीक है। इसमें समाधि स्थल भी मिले हैं, इसमें समाधि स्थल भी मिले हैं। और उस समाधि स्थल में क्या क्या मिला है? आदमी का जो सिर होता था वो पश्चिम की तरफ और पैर की तरफ पूरब की तरफ रखते थे। मतलब कि समझ लीजिए कि जैसे इस तरफ क्या होता है हमारा, इस तरफ हमारा वेस्ट होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है, तो आदमी ऐसे लेटा है। मतलब ये उल्टा हो गया भाई, इस ओर आदमी लेटा है। देखिए ये आदमी हो गया, अब उल्टा हो गया, पहले सही था, छोड़ो, सीधा सीधा सिर पश्चिम की तरफ है, पैर पूरब की तरफ है। क्या ये बात समझ में आ गए? हाँ, तो देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने देख लिया कि समाधि स्थल है जिसमें से पैर कहाँ पर हैं, पश्चिम की, पैर पूरब की तरफ है और सिर किसकी किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। यहाँ पर स्तंभ गर्त मिले हैं, बहुत सारे क्या मिले हैं, स्तंभ गर्त। स्तंभ गर्त क्या होते थे? तो ये होता था कि मतलब रहने के लिए पहले एक ऐसे गर्त का निर्माण किया जाए जिसमें मतलब बहुत सारे खंभे लगे रहते थे, ठीक है। तो वो सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का अगला एक और स्थान है जिसका नाम है महदहा। क्या नाम है? महदहा। ये भी उत्तर प्रदेश में ही है और ये भी कहाँ पर है? ये पूरी की पूरी प्रतापगढ़ में ही है। महदहा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ से भी स्तंभ गर्त मिले हैं और मृग श्रृंग के छलनों की माला मिली है। क्या क्या मिला है? स्तंभ गर्त मिला है, स्तंभ गर्त के बाद में क्या और क्या मिला है? मृग, मृग माने जानते हैं क्या होता है? हिरण। तो मृग श्रृंग, श्रृंग का मतलब क्या होता है? उसकी सींग होती है। तो मृग श्रृंग के छल्लों की माला मिली है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा सीधा पूछा गया है कि मृग श्रृंग के छल्लों की माला किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से मिली है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? महदहा, प्रतापगढ़। क्या ये बात समझ में आ गया? और हड्डियों के आभूषण भी मिले हैं, हड्डियों के आभूषण।
ये दो स्थान हो गए उत्तर प्रदेश के, अभी कुछ और स्थान हैं, ठीक है, तो देखते हैं आगे। दो स्थान को याद कर लीजिएगा, उसके बाद में और अगला स्थान है भाई। नोट्स जरूर अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट्स के मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ने में, रिवीजन करने में। दमदमा एक स्थान है उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम है दमदमा। दमदमा कहाँ पर है, तो ये भी प्रतापगढ़ में ही है। कहाँ पर है दमदमा, प्रतापगढ़ में है। यहाँ से 41 मानव के कंकाल मिले हैं, सावधान जिनको कहा जाएगा। यहाँ से 41 मानव के सावधान मिले हैं। गर्त चूल्हे कुछ मिले हैं, उसके बाद में एक स्थान आता है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। मिर्जापुर में कुछ पहाड़ियां हैं जिनसे चित्रकारी मिली है, उनमें से एक का नाम है मोरहना पहाड़। मोरहना पहाड़ यह आज भी मौजूद है मिर्जापुर में। उसके बाद में अगला है बगही खोर। क्या नाम है, बगही खोर। बगही खोर, और उसके बाद में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है लेह खड़ी, लेह खाइया। क्या नाम है, लेह खाइया। क्या ये बात समझ में आ गया, तो मोरहना पहाड़ है, बगही खोर है, और लेह खाइया है। यहाँ से 17 नर कंकाल भी मिले हैं। क्या मिला है, 17 नर कंकाल। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्या ये बात समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ से शैल चित्र मिले हैं, मोरहना पहाड़ से शैल चित्र मिले हैं इस समय के। क्या बात समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ और स्थान के बारे में देखते हैं। जैसे एक स्थान है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का स्थान है जिसका नाम है आदमगढ़। क्या नाम है, आदमगढ़ नाम है। यहाँ से गदे के टूटे हुए अग्रभाग मिले हैं। कहाँ, किसके, गदे, जो गदा नहीं होता है मार करने वाला, उसी से, तो गदे के टूटे भाग। क्या ये बात समझ में आ गया, याद रखिए। कहीं कहीं कुछ पूछ ले जाए, और क्या मिल सकता है, तो और गोल छल्ला भी मिला है यहाँ से, गोल छल्ला। बस इतना ही मिला है आदमगढ़ से, बाकी चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है। कर्नाटक, हाँ कर्नाटक का एक स्थान है जलाल हल्ली। कर्नाटक, कर्नाटक का स्थान है जलाल हल्ली। समझ में आ गया। यहाँ से रोमन लिपि के डी आकार के अक्षर के तिरछे तीर फलक का उत्पादन मिला है, तो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखेगा किसका, डी आकार के अक्षर का मिला है। डी आकार के अक्षर का। अब देखिए बस यहीं पर अपना ही याद रखेंगे इस चैप्टर में। कुछ इनकी जीवन शैली है उनके बारे में जान लीजिए, तो इनकी अगर जीवन शैली पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए तो ये बात आप जान लीजिए कि ये लोग सावधान करते थे, मतलब कि दाह संस्कार, मतलब
समाधान करते थे अच्छे से, मतलब उनके साथ में कुछ वस्तुओं को भी रख देते थे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये लोग ऐसा विश्वास करते थे कि इनका पुनर्जन्म होगा। उसके बाद में और कुछ इनकी विशेषता है, यहाँ पर लोगों ने आग का प्रयोग सीख लिया था, आग का प्रयोग सीख लिया था। कुछ शैल चित्र भी मिले हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक स्थान था, क्या नाम था, मुरहना पहाड़ी, वहाँ से मिले थे। अंत्येष्टि संस्कार की विधि इन लोगों ने सीख ली थी, और ये अपने अंतिम चरणों में मृत भांडों का निर्माण भी सीख गए थे। ठीक है, अंतिम चरणों में मृत भांडों का निर्माण। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मध्य पाषाण काल में अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपका यकीन मानिए कोई पेपर फंसने वाला नहीं है, जितना भी आएगा उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बाकी अब इतना पढ़ने के बाद में इतना चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, उसके बाद में कोई भी आप नॉर्मल किताब उठा करके देखोगे तो आपको पूरी कहानी और बेहतर समझ में आ जाएगी। हाँ, इन सब वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आएगा, कम से कम आप इसको एक से दो बार ज़रूर देखिए, ठीक है। अगर इसके बाद में अगला पार्ट आएगा हमारा नवपाषाण काल, जिसमें पहिए का आविष्कार हुआ, और आगे उसके बाद में फिर ऐसे कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।